देखिए, दोनों विषय अपनी अपनी जगह पे अपना अपना अलग अलग वैशिष्ट रखते हैं। रोजगार भी आवश्यक है और चीता भी आवश्यक है। अगर देश से चीते समाप्त हुए तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हुआ, और वो चीते लाए गए उनके रख रखाव में उनको जिंदा रखने के लिए भी कुछ तो रोजगार पैदा ही होगा, ये तो निश्चित बात है। अब दूसरा विषय है कि रोजगार भी जरूरी है और उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी जीवन की चीज़ें हैं। दोनों विषयों को एक साथ जोड़कर जो ये बिना मतलब का प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है, हर जगह एक चीज़ खोजी जा रही है कि किस तरह से आलोचना की जाए, मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये रोजगार अलग विषय है, चीतों का लाना, उनका संरक्षण, उनका पर्यावरण में योगदान, ये अलग विषय है। भाई बात तो ऐसी है कि चीते तो ज़रूर थे, विलुप्त हो रहे थे, ये सही है कि चीते भी लाए, लेकिन बट ये परिस्थिति के अनुसार तुम देखो तो इस समय रोज़गार ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम बाहर निकलो, मार्केट में जाओ या कहीं घूम फिर रहे हो, तुमने देखा होगा कि मैक्सिमम तुम चौक चौराहे पर चले जाओ, उधर लोग खड़े मिलते हैं। किस लिए खड़े मिलते हैं? लोग चीते सही हैं, वेल अच्छी बात है कि चीते आए हैं हमारे देश में, ख़त्म हो रहे थे, लेकिन रोज़गार उससे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, पहले ये समझिए कि रोज़गार और ये चीता लाना दोनों दो बातें हैं। रोज़गार सरकार काम करती है, लगातार करती है, कोई भी सरकार रहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी रोज़गार, हर सरकार चाहती है रोज़गार सृजित करें। रही बात चीते की, तो आपको याद होगा कि जब नेहरू जी थे तो बच्चों के डिमांड पे उन्होंने हाथी मंगाया था जापान से, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। चीते की बात करें तो चीते, एक भी चीते भारत में नहीं थे, भारत के किसी जंगल में। तो जो हमारी वन संपदा है, जो हमारे जीव हैं, उन्हीं से हमारा भी अस्तित्व है, और उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है। नहीं, दोनों जरूरी है। रोज़गार अपनी जगह है, वो काम होता रहेगा, वो भी जरूरी है, और चीते लाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 47 से ही भारत में चीते ख़त्म है, विलुप्त हैं। 52 में इसको जो है घोषित कर दिया गया था, विलुप्त प्रजाति में आ गया था, और वो भी बहुत ज़रूरी था। ये भी बहुत इतने साल पेंडिंग रहा, ये भी बहुत ज़रूरी था जो मोदी जी ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया। देखिए सर, चीते को लाना एक अपने वन संरक्षण और अपने देश प्रदेश में जो भी है, ये भी बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि चीतों की संख्या धीरे धीरे क्या है कि इसको विलुप्त ना कहा जाए, जिससे उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो चीते भी आना जरूरी है। लेकिन उसके साथ में जिस तरह से बेरोजगारी अपने देश में प्लस प्रदेश में बढ़ रही है, तो उनको, नौजवानों को रोज़गार भी देने का विशेष प्रयोजन करना चाहिए। चीता से देखिए, चीता की बात करके ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमें सबसे पहले रोज़गार चाहिए, तो बेरोजगारी उत्तराखंड में अपनी चरम सीमा पर। देखिए, अभी हाल ही में वो हाकम सिंह वाला केस आया था, वो सारे अपने लोग भर रहे हैं यहाँ पे, और इस पर अभी तक कोई जांच बैठी नहीं है, इन्होंने इस मामले को दबा दिया गया है। और ये चीते का मुद्दा लेकर इस तरीके से, मतलब रोज़गार, जो रोज़गार की बात है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मोदी जी लाए हैं तो चीते भी ज़रूरी हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है इस समय रोज़गार की आवश्यकता है, तो रोज़गारी मेरे हिसाब से ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। चीते तो ये था कि आना भी था ही, उनको भी बहुत अच्छी चीज़ है, बट रोज़गार ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें चीते की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ताकि हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बना रहे, किंतु चीता से ज़्यादा आज के टाइम पे वर्तमान समय में रोज़गार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो हमारी सरकार जिस ओर ध्यान कम दे रही है। मेरा सरकार से सतत आग्रह है कि इस ओर जरूर से ज़रूर ध्यान दें, और हमारे राज्य सरकार से भी अनुरोध है कि इस ओर ज़रूर ध्यान दें। सर ठीक है, चीते लेकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे यहाँ से, इंडिया से लुप्त हो चुके थे, ये आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ बेरोज़गार जो घूम रहे हैं, उन्हें रोज़गार भी मिलने चाहिए। सरकार को बेरोजगारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं आजकल, इतने सारी ये जो क्राइम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बेरोजगारी के कारण। कहीं चोरी देख लो, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं मर्डर वर्डर हो रहे हैं, किस उस वजह से? सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। तो देखिए, चीते लेके आए हैं नामीबिया से, ये अच्छी बात है, और जो हमारे देश से जो लुप्त हो गए थे वो, उसमें एक पहल अच्छी बात है। लेकिन आज की जो कोरोना काल को लेकर जिस तरीके से 2 साल से रोज़गार नहीं है और लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि रोज़गार ढूंढना, रोज़गार मुहैया कराना, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते आज की डेट में रोज़गार को ज़रूरी है, ना कि चीते ज़रूरी है।